Good morning students. Today we'll study about the quantum model of the atom. It is the modern model of the atom, and to study this model we should know about the quantum numbers. By getting the information of the quantum numbers we can understand what is quantum atomic model. First of all, there are four quantum numbers. First quantum number is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, and fourth is spin quantum numbers. By using these four quantum numbers, we can find the energy as well as the position of the electron. Means हम ये पता लगा सकते हैं कि first of all तो इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, और क्वांटम नंबर की हेल्प से ही ये पता लगा सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है. मैम जस्ट टेकिंग ए वेरी इजी एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कोई एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, फॉर एग्जांपल स्कूल और होटल इट कैन बी. अब वी नो दैट आपने देखा होगा इन दिस बिल्डिंग्स दे स्टार्ट विथ 101. फर्स्ट फ्लोर है, रूम नंबर 101. इसी रूम इसी फ्लोर पर सेकंड होगा 102, थर्ड रूम नंबर विल बी 103, 104 लाइक दिस, एंड अगर 10 रूम है तो लास्ट 10110. ऐसे ही सेकंड फ्लोर पर जो रूम होगा वो स्टार्ट होगा 201 से लेकर के 210 तक. थर्ड फ्लोर पर दे विल स्टार्ट विद 301 टू 310, एंड फोर्थ फ्लोर अगर है तो 401 से 410. ओके, this 1, 2, 3, and 4, what they are representing the floors. And we know agar hum floor ko energy ki form mein le ki first floor hai kam energy hai, second floor hai uski energy aur zyada hai, third floor hai uski energy aur zyada hai, fourth floor hai uski energy usse bhi zyada hai. Means isko agar hum ye mante hain descending order and sorry ascending order of the energy, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे energy बढ़ती जाएगी. अब आपको कोई कह दे that the room is present, means that person is present in room number 301, and second person is present at in room number 405, one person is present in room number 301, and second person is present in 405 room number. So you will see it is on the third floor, it is on the fourth floor, that's why the energy of that person will be high. In the same way, this atom is also divided into main energy shell. ये इसके floors हो सकते हैं. You can compare this with the floors. ये आपका यहाँ पर nucleus, its nucleus, and we know जैसे जैसे आप nucleus से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ते जाएगी. तो ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर. अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ. इफ़ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द थर्ड शेल इन द फोर्थ शेल, तो एनर्जी ऑफ द फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन विल बी हायर. सो ये आपका पहला क्वांटम नंबर है. दिस क्वांटम नंबर इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. What principal quantum number shows? Principal quantum number gives information about the main energy shell. Although अभी हमें इस model को further smaller energy में change करना पड़ेगा, but अभी ये आपके पास main energy shell है, main floor है, ठीक है. तो ये आप main energy shell से आपको क्या पता लगा, energy of the electron, कि आपकी कितनी एनर्जी है. फर्स्ट शेल में है तो सबसे कम एनर्जी है, अगर फोर्थ शेल में है तो इस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इसमें केवल फोर ही शेल्स हैं, इट विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, इट विल हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड. थर्ड विल बी हैविंग मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेकेंड शेल. नाउ जैसे हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, अब इस बिल्डिंग में भी रूम है 101 से लेकर के 1010 तक. सो वी कैन अज्यूम कि जो 101 है इसी फ्लोर पर इन रूम की एनर्जी को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है. कैसे? जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, मींस फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि रूम ऐसे बनाए हैं 101, 102,
103, 104, 105, ऐसे 1010। तो जैसे जैसे 1 से 10 तक जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जो आपने एक फ्लोर पर बाकी जो रूम बनाए हैं उस फ्लोर पर, उसने क्या किया है, उस फ्लोर को फर्दर स्मॉल कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसे ही एटम के अंदर भी जो ये एनर्जी शेल होते हैं फर्दर सब शेल के अंदर डिवाइड होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। एंड किस शेल में कितने सब शेल होंगे, ऑल्दो हमने तो यह एक एग्जांपल बिल्डिंग का लिया है, एटम और बिल्डिंग में इतनी तो सिमिलरिटी नहीं हो सकती, कि इसको ऐसे मान सकते हैं अगर सिमिलरिटी लानी ही हो तो, कि फर्स्ट फ्लोर पर केवल एक ही रूम है। अगर आप इसको एटम से कंपेयर करोगे तो इसके पास मीन्स ये एक ही रूम है, एक होल रूम मान लो आप, इसको फर्दर किसी कंपार्टमेंट में डिवाइड नहीं किया है, तो इसमें वही रूम है और वही एक सबशेल है। बट सेकंड फ्लोर पर गए तो उसने उसको टू कंपार्टमेंट में चेंज कर दिया, मीन्स ये आपके पास फर्स्ट रूम है और ये सेकंड रूम है, मींस आपका जो सेकंड फ्लोर है उस पर टू रूम है। तो ऐसे ही ये फर्स्ट शेल है, इसमें एक ही सब शेल है, यहाँ पर टू सब शेल, सब शेल नंबर 1, सब शेल नंबर 2। ऐसे ही थर्ड पर गए तो आपके पास 3 सब शेल हैं, और फोर्थ वाले में 4 सब शेल हैं, फोर्थ वाले में 4 सब शेल, मतलब जितने आपके पास जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए, मीन्स फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट रूम, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम्स, थर्ड फ्लोर पर 3 रूम्स, फोर्थ फ्लोर पर 4 रूम्स, एंड फिफ्थ फ्लोर पर 5 रूम्स, मींस आपके सब शेल बढ़ते चले गए जैसे जैसे आपका फ्लोर बढ़ते चले गए, वैसे ही उसमें रूम्स भी बढ़ते चले गए। और ये सब शेल भी किस तरीके से डिवाइड हैं, कि जैसे जैसे आप इसमें रूम बढ़ाते जाओगे, फर्स्ट रूम के बाद जो सेकंड रूम आएगा उसकी एनर्जी थोड़ा सा हाई होगी, थर्ड की एनर्जी सेकंड से हल्का सा हाई होगी, और फोर्थ की एनर्जी थर्ड के कंपैरिजन में स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से क्योंकि अब इन सब शेल के लिए यहाँ पर 4 नंबर दिए गए हैं, एस पी डी एंड एफ, ये रखना है आपको याद, दीज एस पी डी एफ आर नोन एज सब शेल एंड दे रिप्रेजेंट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल शो अबाउट द मेन एनर्जी शेल और ऑर्बिट, और यू कैन से ऑर्बिट, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर विल शो अबाउट द सब शेल, विच सब मीन्स शेल से जो छोटा है, तो विच विल बी डिवाइडिंग द शेल इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो फर्स्ट शेल में एक्चुअल में ये कोई बिल्डिंग देखकर हमें पता चला नहीं कि यहाँ पर एक ही सब शेल या एक ही शेल होगा, ये पता लगा था हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम से। देखो हमने क्या किया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पहले जब बोहर ने जब उसको ऑब्जर्व किया था, ही वॉज एबल टू सी सम थिक लाइन्स। तो थिक लाइंस किसके लिए थी, मेन एनर्जी शेल के लिए, इसीलिए बोहर इतने मॉडल को तो एक्सप्लेन कर पाया था। जो हम अभी सब शेल ले रहे हैं वो बोहर मॉडल में नहीं था, बोहर मॉडल ने कहा था कि मेन एनर्जी शेल होते हैं, तो वो ये थिक लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एटॉमिक मॉडल और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ थिन लाइंस भी थी और बोहर उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था। तब साइंटिस्ट ने जब उसको काफ़ी डिटेल में स्टडी किया, उन्होंने देखा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर के ये फर्स्ट शेल है, इसमें उन्हें कोई थिन लाइन नहीं दिखाई दी, यहाँ पर उन्हें 2 थिन लाइन दिखाई दी, यहाँ पर उन्हें 3 थिन लाइन्स अपीयर हुई, यहाँ पर उन्हें 4 थिन लाइन्स अपीयर हुई। इससे उन्हें आइडिया मिला कि थिन लाइन्स का मतलब है कि वो जो आपके पास शेल हैं फर्दर स्मॉल एनर्जी कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हैं। अब यहाँ पर क्योंकि कोई भी लाइन नहीं थी, उन्होंने कहा कि ये अपने आप में एक कंप्लीट है, इसमें कोई और फर्दर शेल नहीं है, और इसके लिए इसका नाम रखा उन्होंने 1s। इसके अंदर आपके पास एक ही सब शेल आया 1s। जो सेकंड सब शेल सेकंड शेल था, सेकंड शेल मीन सेकंड फ्लोर, उस पर 2 रूम हैं, और हमेशा जो रूम पहला आएगा उसको एस से लिखेंगे,
सेकंड फ्लोर है 2S और सेकंड रूम को लिखेंगे 2P, एस पी डी एफ ये सिक्वेंस में चलेगा हमेशा। इसको ऐसे मानना है कि उस बिल्डिंग में जो भी फर्स्ट रूम है वो एस होगा, अगर उस पर उस फ्लोर पर थ्री रूम्स हैं तो फर्स्ट रूम को एस बोलेंगे, सेकंड रूम को पी बोला जाएगा और थर्ड रूम को डी। और ये फोर रूम्स आर देयर, फर्स्ट रूम विल बी एस, सेकंड पी, थर्ड डी एंड फोर्थ विल बी एफ, एंड एनर्जी बढ़ती जाएगी, एस की एनर्जी कम होगी और एफ की एनर्जी हाईएस्ट होगी। तो फर्स्ट फ्लोर पर एक ही रूम था, अब फर्स्ट फ्लोर है तो वन और रूम एक है तो एस, सेकंड फ्लोर है तो टू लिखेंगे हम, जैसे 201 202, तो 201 मींस एस, 202 मींस पी, इसको लिखते भी ऐसे ही हैं स्टार्टिंग से। फिर थर्ड आया आपके पास शेल, वहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, थ्री से, थ्री से मालूम चल जाएगा कि ये सब शेल थर्ड शेल का सब शेल है। थ्री फर्स्ट शेल सब शेल है तो एस, थ्री एस, थ्री पी एंड थ्री डी, और फोर्थ शेल है तो जो फोर्थ से लिखेंगे, इससे फोर्थ से पता चल जाएगा कि ये सब शेल किसके हैं, फोर्थ शेल के। फर्स्ट सब शेल एस से, सेकंड सब शेल पी से, थर्ड शेल डी से, फोर्थ सब शेल एफ से, 4s, 4p, 4d, 4f। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट थे, जो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इधर बिल्कुल इसमें प्रेजेंट है, ऐसा नहीं था। मीन्स उस देखिए एक्चुअल में आज भी हम बात करें तो एटम में बहुत सारी चीज़ें, मीन्स वी डोंट नो मच अबाउट द एटम। आफ्टर एवरी ईयर और 5 years, 10 year गैप एटम के बारे में बहुत न्यू इन्फॉर्मेशन आती है। एन एटम इज़ वेरी 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 स्मॉल, इवन विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी कांट सी द एटम, एटम वी कांट सी, जस्ट जितनी चीज़ें हैं ये सब इस तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट बेसिस पर ही निकली हैं। जैसे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा, फिर उसके रिगार्डिंग कोई एक एजम्पशन बना दी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, फर्स्ट सेल में केवल 1s हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट हैं, सेकंड सेल में दो कंपार्टमेंट हैं, एक s है और एक p है, तो इलेक्ट्रॉन s में और p में हो सकता है, थर्ड वाले में 3s, 3p, 3d, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ हो सकता है, ऐसे ही 4s, 4p, 4d, 4f। अब पता है हमें एनर्जी कैसे बढ़ रही है इन दिस ऑर्डर, इसका मतलब चलो यहाँ तो 1s है, इसकी एनर्जी इतनी है, अगर इलेक्ट्रॉन 2s में हुआ तो कम एनर्जी और 2p में हुआ तो ज़्यादा एनर्जी। मीन्स सेम फ्लोर के टू रूम हैं बट जो फर्स्ट रूम है उसकी एनर्जी कम है, सेकंड रूम की एनर्जी ज़्यादा है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन, अब देखो क्या हुआ, ऐसा नहीं था कि इलेक्ट्रॉन उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था कि यहाँ से यहाँ आया और फिर जब यहाँ से इधर वापस पहुँचा तो कलर लाइन बनाई, एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन या इधर से लेकर के यहाँ भी पहुँच सकता था और यहाँ भी पहुँच सकता था, और उसके बाद वो या तो इधर वापस आए या एस में पहुँच जाए नीचे वाले रूम में। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है, हो सकता है कि अगर सेकेंड फ्लोर का था तो वो सेकंड फ्लोर में जंप करके पहुंच जाए सेकंड रूम पर, अब उसके बाद वो दोबारा से फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब सेकंड फ्लोर पे आ जाए या फर्स्ट रूम में रह जाए, वो उसकी मर्जी थी, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी कितना चेंज हुआ। तो उस वजह से ये थिन लाइंस बनी हैं। थिन लाइंस किस लिए बनी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन मेन सबशेल के बीच में ही रह रहे थे, कभी यहाँ पहुँचे, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए, कुछ यहाँ पहुँच गए, अब इनके बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत कम है। मीन्स एक मेन फ्लोर से दूसरे फ्लोर के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक ही फ्लोर पर जो रूम है उनके बीच में एनर्जी गैप कम है। तो ऐसे ही सब शेल के बीच में एनर्जी गैप कम होने की वजह से जो लाइंस बनी थी ये थिन लाइंस बनी थी। तो यहाँ आपके पास 1s, इधर 2s, 2p, फिर 3s, 3p, 3d, फिर 4s, 4p, 4d एंड 4f। तो ये जो आपके पास एस, पी, डी और एफ आए, इन्हें बोला गया आपके सब शेल, दीज वर नोन एज सब शेल, एस, पी, डी एंड एफ। आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट्स अबाउट द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मीन्स देखिए आपने भी पढ़ा है एक ऑर्बिट, व्हाट इज़ ऑर्बिटल, ए
एक्चुअल में जो बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, वो बात तो रोंग प्रूव हो गई है। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 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 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ प्रेजेंट हो, ठीक है। और इसके बाद इसमें भी फर्दर सबशेल इज़ फर्दर डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू स्मॉल एनर्जी कंपार्टमेंट्स विच आर नोन एज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज दैट प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज। सब शेल के अंदर भी, जैसे आपके पास क्लासरूम है फॉर एग्जाम्पल, थर्ड फ्लोर पर आपके पास एक 9th क्लास है, एक 10th क्लास है और एक 11th क्लास है। 9, 10 एंड 11 थर्ड फ्लोर पर 3 क्लासेस हो गई। 9th की एनर्जी कम है, 10th की एनर्जी उससे ज़्यादा है और 11th क्लास की एनर्जी 10th क्लास से भी ज़्यादा हुई। देन उस रूम के अंदर भी अगर स्टूडेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन माने तो स्टूडेंट्स कहाँ प्रेजेंट हैं? अपने एक पर्टिकुलर बेंच के ऊपर। और अगर हम बात करें कि पूरे एक 6 आवर्स के स्कूलिंग में वो स्टूडेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग कहाँ रहेगी, ऑल दो इट मे बी पॉसिबल कि वो बाहर भी जाए बिल्डिंग से, मतलब कि जो आपके फ्लोर से बाहर भी जाए, हो सकता है कि वो क्लासरूम में मूव भी कर रहा हो, बट फिर भी मैक्सिमम टाइम कहाँ मिलेगा वो अपने एक बेंच के ऊपर, अपने डेस्क पर। सो वो जो डेस्क है उसका दैट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट स्टूडेंट इज मैक्सिमम ऑन दैट डेस्क एंड दैट डेस्क इज हेयर कंपेयर्ड विद द ऑर्बिटल। इन द सेम वे दिस रूम हैज़ ओनली वन डेस्क, पी हैज़ 3 डेस्क, डी हैज़ 5 डेस्क, 1, 2, 3, 4, 5 एंड एफ हैज़ 7 डेस्क, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। मीन्स सबशेल फर्दर, सबशेल मीन्स रूम्स, ना रूम्स आर फर्दर हैविंग डेस्क। एस रूम विल हैव ओनली 1 डेस्क, पी रूम विल हैव 3 डेस्क, डी विल हैव 5 डेस्क एंड एफ विल हैव 7 डेस्क, ओके। एंड इसका मतलब ये नहीं कि खाली इसमें, यहाँ पर भी अगर 3s हैं, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है 3s, इट इज़ 3s, इसके पास एक डेस्क हो गया। फिर यहाँ पर s के बाद क्या आएगा, p आएगा, 3p के पास 3 डेस्क हो गई एंड 3d के पास 5 डेस्क हो गई। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपके पास 2s और 2p हैं तो s के पास एक डेस्क होगा और p के पास 3 डेस्क होंगे। हेयर अब डेस्क की बात नहीं करेंगे एटम के लिए, हेयर दीज आर ऑर्बिटल, मीन्स सबशेल आर फर्दर हैविंग द ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स कैसे पता लगा था, जब आपने बात की थी एटॉमिक स्पेक्ट्रम से ही पता लगा, ऐसे कोई बिल्डिंग देखकर पता नहीं लगाया गया था इसको, कि फर्दर दिस थीन लाइन्स, थीन लाइन का मतलब यहाँ सबशेल हो गया, थिक लाइन मीन्स शेल, थिन लाइन्स मीन्स सबशेल। अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे थे, मीन्स जो लाइन जो आपकी बीम आ रही थी प्रिज्म में पास करने से पहले, अगर हम उसे मैग्नेटिक फील्ड से पास कर रहे थे, देन इट वाज फर्दर स्प्लिटिंग, उसकी फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी थिन लाइंस की एंड दैट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय दी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स शो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वाई इन दी इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द थिन लाइन्स वर फर्दर स्प्लिटिंग, इट वॉज शोन बाय दी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शोज ऑर्बिटल्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो ऑर्बिटल, इट मीन्स एस सब शेल विल हैव ओनली 1 ऑर्बिटल, पी सब शेल इज हैविंग 3 ऑर्बिटल, डी इज हैविंग 5 ऑर्बिटल एंड एफ सब शेल इज हैविंग 7 ऑर्बिटल्स, ओके। एंड ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, ओके। तो अभी हमने थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन ही किया है, फर्दर मैं इस, क्योंकि क्वांटम नंबर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं,
इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। टुडे मैंने इसको थोड़ा सा एक मतलब कि जो एक नॉर्मल वे है उससे अलग लिया है एक सिंबॉलिक फॉर्म में। टुमारो ऑल्सो आई विल डिस्कस दीज क्वांटम नंबर्स जो रियलिटी में होते हैं, जिस तरीके से होते हैं, कैसे आप यहाँ तो हमने चलो उसको ऐसे ले लिया कि थोड़ा सा याद करने के तरीके से कि एस में वन है पी में टू है, बट ये क्यों होते हैं, इसके रिगार्डिंग भी फार्मूलाज होते हैं। विल स्टडी अबाउट दोज फार्मूलाज टुमारो। ओके, थैंक यू।